ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 7 का लास्ट पैराग्राफ, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हम बता रहे हैं आपको। देखिए, तो लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था आपको, जो आपका ये अर्थ का अर्थ है उसके बीचों बीच आपका ये ग्रीनविच, ये ग्रीनविच वाली लाइन है। ठीक है, इस ग्रीनविच वाली लाइन के, इस ग्रीनविच वाली लाइन जो है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और वेस्ट में कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हुई हैं, जो आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जुड़ी हुई हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जुड़ी हुई हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जुड़ी हुई हैं। ये जो लाइंस आपका है ग्रीनविच के बाद, ये 180 लाइंस हैं, 180 लाइंस हैं ईस्ट में, ईस्ट में 180 लाइंस आर इन ईस्ट एंड 180 लाइंस इन वेस्ट। 180 लाइन किधर है? वेस्ट में है। 180 लाइन कहाँ है? वेस्ट में है। ओके, वेस्ट में है। सो लिखा हुआ है कि द लाइन ऑफ लैंगिट्यूड आर सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये अर्ध गोल गोलाकार है, अर्ध गोलाकार है, आधा आधा अर्धवृत्त जैसी हैं, और ये आपका नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ है ना, दिस इज द नॉर्थ साइड एंड दिस इज द साउथ साइड, और ये आपस में जुड़ा हुआ है। सो दे आर ऑल्सो नॉन एज मेरिडियंस, इसको हम लोग मेरिडियंस के रूप में जानते हैं। ठीक है, इन लाइन्स को मेरिडियंस के रूप में जानते हैं, देशांतर कहते हैं। ऑल मेरिडियंस हैव इक्वल लेंथ, और जितने भी लाइन्स हैं इनका इक्वल लंबाई है, बराबर लंबाई है। ठीक है, वो जो लॉन्गिट्यूड था उसका इक्वल लंबाई नहीं था, वो जीरो डिग्री जो था वहाँ पे लंबी वो लाइन थी, पर जैसे जैसे ऊपर जा रही थी वो क्या हो रहा था, उनकी लंबाई घटती जा रही थी। बट इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जितने भी लाइन्स ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आ रही हैं वो एक बराबर लंबाई की हैं। सो ऑल मेरिडियंस हैव इक्वल लेंथ, द नंबर ऑफ मेरिडियंस इन ऑल इज 360, और जो ये नंबर इनका है वो 360 है। मैंने बताया आपको ग्रीनविच के बाद 180 इधर और 180 इधर, मतलब 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, और दोनों मिलाकर के 360 हो जाता है। सिंस ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, सो वन स्पेसिफिक मेरिडियन हैड टू बी चूजन एट द नंबर देम इन 1884। 1884 में आपका जो है यूके में, जो लंदन एक जगह है वहाँ पे इसको चुना गया था, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए। ओके, यहाँ के हिसाब से जो है हम लोग टाइम मैनेजमेंट होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, अगर ये ग्रीनविच में 10 बज रहा है तो उसके हिसाब से जो डिग्री आगे बढ़िएगा उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट होता है। आप लोग इसको आगे क्लास में पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स।